तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें एक क्या कहते हैं कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मास है जो 0.4 kg का है और इट टेक 8 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। मतलब एक मास है, अगर मैं वो ग्राउंड पे एक बिल्डिंग से एक मास गिराया जाता है, ये बिल्डिंग है अपनी, और इस बिल्डिंग से अगर मैं कोई मास गिराता हूँ, लेट अस सपोज ड्रॉप ए मास फ्रॉम दिस बिल्डिंग। ये यहाँ से एक बिल्डिंग है, एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ से इस मास को ड्रॉप करता है। तो ड्रॉप करेगा तो इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये मास नीचे आएगा और ये यहाँ पर कभी यहाँ पर होगा तो कभी यहाँ पर भी होगा। पॉइंट ए से ड्रॉप किया था और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला सी है। तो ये कहते हैं कि ये जो मास है वो ऑब्वियसली 0.4 kg का है और इसको यहाँ तक आने में जो टाइम लग गया है वो 8 सेकेंड लग गया है। तो 8 सेकेंड रीच द ग्राउंड ड्रॉप टू हाइट पी। तो पी ड्रॉप ए सर्टेन हाइट पी एबव द सरफेस, लॉस ऑफ ग्रेविटेशन इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकेंड मतलब मेरे भाई 8 सेकेंड लग गया, तो लास्ट सेकेंड मतलब कौन, मतलब यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर मान लेते हैं 7 सेकेंड लगा होगा, तो जब टोटल 8 सेकेंड लगा है तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लास्ट सेकेंड में होगा। लास्ट सेकेंड तो लास्ट सेकेंड मतलब 8th सेकेंड, ठीक है। 8th सेकेंड मतलब 7वां ख़त्म हो गया होगा, 8वां शुरू हुआ होगा और 9वां शुरू, 9 वाला शुरू नहीं हुआ होगा, उसको हम 8 सेकेंड बोलेंगे, 8वां सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, ये लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू, 2n-1 वाला फार्मूला लगा देता हूँ, 1 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर 1 1 सेकेंड यहाँ से तुम बात करोगे लास्ट सेकेंड में, तो मैं शुरू से इसको लगाता हूँ, तो इनिशियल स्पीड 0 से चली थी, प्लस जी की वैल्यू 10/2 और 8 16-1 दैट इज 15। तो यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है, तो ये 75 मीटर चला होगा इन 8th सेकेंड, 8वें सेकेंड में इतना चला है, ये बात क्लियर हो गया। अब लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट बी और सी में, तो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे वो तो 0 है, तो जो बी पॉइंट है जो सी पॉइंट पे वो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जो सी पॉइंट है इस पे अगर तुम देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी कितना है वो हमें पता ही नहीं है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच फ्रॉम बी टू सी वाले पॉइंट के लिए लगा देता हूँ। तो मास और हाइट और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, मास कितना है 0.4, जी की वैल्यू 10 ले लो और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 75। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये पॉइंट इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ से देखोगे तो 20 और 7 ये 300 जूल, 7 28 2, तो 300 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई होगी 8वें सेकेंड में, ठीक है ना। तो ये कहाँ जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 300 जूल। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।